हेलो फ्रेंड्स, एके लिंगन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए, आपके एमटीएस के एग्ज़ाम को देखते हुए मैं आज भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से रिलेटेड 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपको एमटीएस एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण लाभदायक साबित होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। संविधान के 11वें भाग में ग्राम पंचायतों के न्याय क्षेत्रों में कितने विषय रखे गए हैं? तो ये है, टोटल 29 विषय रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, कोई बिल सेलेक्ट कमेटी को कब भेजा जाता है? कोई भी बिल जो है सेलेक्ट कमेटी को कब भेजा जाता है? जब द्वितीय वाचन के पश्चात, सेकेंड जो रीडिंग हो जाता है उसके बाद ही भेजा जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटर कौन होता है? भारत के जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, तो उसके लिए वोटर जो होता है संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य जो होते हैं वो होते हैं। संविधान के किस संशोधन के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सरकार को नए राज्य के गठन के लिए अधिकृत करता है? तो नए राज्य के गठन के लिए जो है अनुच्छेद 3 गठित करता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठे मामलों में कौन निर्णय लेता है? तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय लेता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में रूल ऑफ लॉ का तत्व किस मौलिक अधिकार में प्रतिबंधित होता है? तो समानता का अधिकार, जिसको आप राइट ऑफ इक्वलिटी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उसको, संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनको हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं आलेख परीक्षक की रिपोर्ट किसको भेजा जाता है? तो राष्ट्रपति को भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य तथा राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इससे पहले मैंने बताया था उपराष्ट्रपति के लिए, जिसमें संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति में देख रहे हैं कि संसद के दोनों सदन तथा निर्वाचित सदस्य तथा राज्य और केंद्रशासित जो प्रदेश होते हैं उनके जो विधानसभाओं के सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है? तो अपने भारत में जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसका संविधान अलग है और अनुच्छेद 370 के अंतर्गत आता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया गया था? तो यह 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत बना था। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया था? तो यह 26वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान की देन है? तो यह जर्मनी के वीमर संविधान की देन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार से हटा दिया गया, या 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे होता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदन को होता है। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो पता है, भारत के राष्ट्रपति जो राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जबकि लोकसभा में 2 करते हैं। टोटल मिला के 14 करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा मिला करके यदि पूछे तो 14 करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किस अधिकारी को संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने तथा सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार प्राप्त है? तो यह भारत के महान्यायवादी, जिसको हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत होती है? तो भारत के जो नियंत्रक महालेख परीक्षक की जो नियुक्ति होती है वह अनुच्छेद 148 के अंतर्गत किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, जैसे कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, या उपराष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। उसी तरीका से लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संप्रभुत्व किसे बताया गया है? हम भारत के लोग को भारत का संप्रभुत्व बताया गया है, संप्रभु। अगला क्वेश्चन है, 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो उस समय 51 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात
की उद्घोषणा का प्रावधान है। तो राष्ट्रीय आपात जो है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगता है, जबकि वित्तीय आपात जो है आपको अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगता है, जबकि राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगता है। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की शक्ति किसे होता है? तो यह भारत का निर्वाचन आयोग का होता है। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो सिर्फ पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। संविधान संशोधन के जो विधेयक है उसको सर्वप्रथम राज्यसभा में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यता प्रदान की जाती है? तो कैबिनेट मंत्री के समान। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है आपको 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है और यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार जो अमेरिका से लिया गया है वह भाग 3 में वर्णित है। तो आप बताइए कमेंट करके कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मैं इसी तरीका का अगला नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू।